मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने के बाद इंदौर अब एजुकेशन हब बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के GACC कॉलेज में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कई नई चीज शामिल की गई है। 2047 में भारत को मजबूत बनाने का लक्ष्य देश के युवाओं के हाथ में है। हमारी नई शिक्षा नीति और PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भारत के भविष्य की नींव रखेंगे। मैं इंदौर की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, अब यह शहर शिक्षा का हब बन रहा है। प्रदेश के 55 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 486 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पूरे देश का पहला राज्य बनाने के लिए CM डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान CM मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हम प्रदेश भर के 55 PM एक्सीलेंस कॉलेजों में पारंपरिक विषयों के अलावा नए विषय व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। CM ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कागज पर डिग्री देना नहीं है, हम युवाओं में कौशल का विकास करना चाहते हैं। एविएशन के क्षेत्र में नया कदम उठाते हुए हमने प्रदेश के कई शहरों में एयर टैक्सी शुरू की है। वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में PM नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि आजादी के 75 साल बाद नई शिक्षा नीति के जरिए 2047 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा संकल्प था और हम उसी संकल्प को आगे लेकर बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक सितारा बनकर चमकेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश में 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संकल्प एक पेड़ माँ के नाम के तहत हमने हर कॉलेज परिसर में विद्या वन स्थापित करने का फैसला लिया है। इस कॉलेज की खासियत की बात करें तो यह कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप इसमें सभी कोर्स उपलब्ध होंगे। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पुस्तकालय, लैब, उपकरण से खेल सुविधाओं से लैस होंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 55 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 486 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बता दें कि एक्सीलेंस कॉलेजों की खासियत यह है कि ये कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप इसमें सभी कोर्स उपलब्ध होंगे। 2,232 नवीन पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए वार्षिक आवृत्ति की सौगात दी है। इन 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1845 शैक्षणिक, 387 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित किए गए हैं। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की खासियत, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को बहुसंकायी बनाने और स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन के लिए मध्य प्रदेश के 7 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय और 55 महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसे नवीन विषय शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही 55 महाविद्यालयों में अलग अलग 27 विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के काउंटर की स्थापना की जाएगी।